मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को झूठा कहा है। चौहान ने कहा, कमलनाथ ने किसानों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ? वहीं इस दौरान उन्होंने विकास यात्रा के बारे में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के झूठ को मैं रोज उजागर करने का काम करता हूँ। जितने वादे ध्यान में आए वो सभी उन्होंने नोट करवाए, वचन पत्र में छाप दिए। जनता को उन्होंने प्रॉमिस तो कर लिया लेकिन पूरे नहीं किए। उन्हीं में से आज एक मैं पूछ रहा हूं, कमलनाथ जी, आपने किसानों से वादा किया था कि आधुनिक तकनीकी के आधार पर सब्जी मसाला औषधि फसल एवं फूल उत्पादन आदि के लिए पॉली हाउस ग्रीन हाउस की वर्तमान योजना के साथ छोटे आकार 1000 से लेकर 5000 वर्ग फीट की यूनिट लगाएंगे तथा रियायती ब्याज दर पर बैंक से ऋण उपलब्ध कराएंगे। सवा साल में कितनी यूनिट लगी और किस किसान को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया गया, इसका तो जवाब दीजिए कमलनाथ जी। कांग्रेस के झूठ को मैं रोज उजागर करने का काम करता हूं। जितने वादे ध्यान में आए वो सबके सब उनने नोट करवाए, वचन पत्र में छाप दिए, जनता को उनने प्रॉमिस कर लिया लेकिन पूरे नहीं किए। उन्हीं में से आज एक मैं पूछ रहा हूँ, कमलनाथ जी, किसानों को आधुनिक तकनीकी के आधार पर सब्जी मसाला औषधि फसल एवं फूल उत्पादन आदि के लिए पॉली हाउस ग्रीन हाउस की वर्तमान योजना के साथ छोटे आकार 1000 से 5000 वर्ग फीट की यूनिट लगाएंगे तथा रियायती ब्याज दर पर बैंक से ऋण उपलब्ध करवाएंगे, सवा साल में कितनी यूनिट लगी और किस किसान को रियायती दरों पर आपने ऋण उपलब्ध करवाया, इसका तो जवाब दीजिए कमलनाथ। वहीं इस दौरान शिवराज सिंह चौहान से विकास यात्रा के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि विकास यात्रा लगातार सफलता के साथ चल रही है, यह जनता की यात्रा है, आम जनता इससे जुड़ रही है। विकास यात्रा के तहत विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। दतिया में विकास प्रवक्ता हमारे द्वारा नियुक्त किए गए हैं जो जनता को हमारी योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हर जिले में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह मध्य प्रदेश दर्शन है जिसमें समाज, सरकार और प्रशासन तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। मित्रों, विकास यात्रा लगातार सफलता के साथ चल रही है और मैंने कहा कि विकास यात्रा बहुआयामी हो गई है, अनेकों नवाचार अलग अलग जिलों में जनता के साथ मिलकर हो रहे हैं और सचमुच में ये जनता की यात्रा है क्योंकि आम जन अब इस यात्रा के भागीदार हैं। आम जन केवल सरकार की तरफ नहीं देख रहा, अलग अलग कई प्रयोग वो खुद भी क्या कर सकता है समाज के लिए, वो प्रयोग कर रहा है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।